सुपोषित मां अभियान में काज द्वितीय चरण शुरुआत हुई है और इस द्वितीय चरण के लिए जिन्होंने इस कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की उन गर्भवती मां के लिए पोषण और पोषण के साथ विटामिन और विटामिन के साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म का ज्ञान देकर हमारी ये मां जिसका होने वाला बच्चा इस स्वर्णिम भारत का नौजवान हो, एक स्वस्थ बच्चा हो, स्वस्थ मां हो, ताकि हम एक नए भारत की कल्पना कर सकें। और इस अभियान के लिए हंस परिवार जो देहरादून से आज यहां पर आए हैं, भोले बाबा, मां मंगला जी, जिनका हृदय दयालु है, सहिष्णु है और दूर दराज के उन पहाड़ के इलाकों के अंदर जहां चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, जहां पढ़ने के स्कूल नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं थी, उन सारे क्षेत्रों के अंदर हंस परिवार ने एक सामाजिक रूप से एक संवेदना के साथ उन परिवार की सेवा करने का काम किया। आज देश के 27 राज्यों के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हो, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, महिलाएं स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, कृषि की आमदनी बढ़ाने के क्षेत्र में हो, नौजवान को रोजगार के क्षेत्र में हो, जो बच्चा बचपन से सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उस बच्चे को बोलने सुनने के लिए यंत्र देना, दूर दराज के इलाके के अंदर अगर समय पर आंखों का ऑपरेशन नहीं हो तो अंधता हो जाए, इसलिए दूर दराज के गांव में जाकर उन लोगों को चिन्हित करना और फिर आई का कैंप लगाकर आई का हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज करके उसकी आंखें देना, उसकी आंखों को ठीक करना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हंस परिवार करता है। मैं आज हंस परिवार को कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से, हमारी इन माता बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज कोटा में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की है। हमारे बीच में ये मां बहनें बैठी हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मां हमारी जननी है और जननी को स्वस्थ रखना, मां को स्वस्थ रखना, उसको पोषित करना समाज की जिम्मेदारी है और समाज इस जिम्मेदारी को उठाए इसके लिए हमें इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब मैं कई क्षेत्रों के अंदर जाता हूं तो कई गर्भवती महिलाएं जिनका वजन भी कम रहता है, जो स्वस्थ की दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ भी नहीं होती, उनको आज एक पोषण की आवश्यकता है।
उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उनको समय समय पर मेडिकल स्वास्थ्य की जांच की आवश्यकता है। और इसके लिए हम सबको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, सबको सामूहिकता के साथ काम करना होगा कि इस देश के अंदर जो भी हमारी जननी है, जो भी हमारी मां है, उसको पोषित भी करेंगे, उसको स्वस्थ भी बनाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। और जब मां स्वस्थ रहेगी तो आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। और इसीलिए मैं मेरी आंखों के सामने इन मां बहनों को देख रहा हूं, इनके सपने हैं कि हमारा बेटा हो और बेटी हो, जो भी हो, वह बेटा और बेटी स्वस्थ रहे। कोई समय था जब मां की इच्छा रहती थी बेटा हो, लेकिन आज समय बदल गया है। आज मां चाहती है कि मेरी तरह मेरी भी बेटी हो, ताकि वह परिवार को पाले, समाज को नई दिशा दे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां पर माओं को सुपोषित करने का अभियान चलाया है, जन आंदोलन बनाया है, वहां बेटी बचाओ बेटी अभियान भी शुरुआत की है। और आज समाज में मानसिकता में परिवर्तन आया है, और यह मानसिकता परिवर्तन लाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसा अन्न मिले जिस अन्न से आने वाली पीढ़ी अति स्वस्थ हो। और इसीलिए गर्भ में जितना अच्छा पोषण मिलेगा, जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ही बच्चा स्वस्थ होगा, कुशल होगा। क्योंकि मैंने पिछली बार कई मां के बच्चे नहीं रहे थे, उनके घर पे मैं गया था और मैंने उनकी स्थिति को देखा था। और उस दिन ही मैंने फैसला किया था कि समाज को साथ लेकर, सबको साथ लेकर, हर गली मोहल्ले गांव ढाणी के अंदर ऐसी माओं को चिन्हित करेंगे और ऐसी मां को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा पोषण, एक पौष्टिक पोषण, और पौष्टिक पोषण के साथ उसमें जो भी न्यूट्रिशन की कमी है उसकी सप्लीमेंट्री भी देंगे ताकि वो मां स्वस्थ रहे। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा लक्ष्य है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में ये अभियान की शुरुआत हुई है। देश के हर माननीय सांसद सदस्य, देश के हर विधायक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक नेता इसकी शुरुआत करेंगे और अपने अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके से हम मां को सुपोषित कर सकें, मां को स्वस्थ रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। और इसीलिए एक अच्छा अन्न हमेशा एक स्वस्थ बच्चा पैदा करता है। गर्भवती मां को अन्न के साथ साथ उसको आध्यात्मिक रूप से, उसको जीवन के अंदर जो कठिनाई परेशानियां हैं, उन परेशानियों को उनके जीवन में कम हो, ताकि मां का मानसिक प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। उसका मानसिक प्रभाव बच्चे पे पड़ने के कारण हम मानसिक रूप से जितनी मां को स्वस्थ रखेंगे उतनी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। और इसीलिए मेरे सामने जो मां बहनें बैठी हैं, वह गर्भवती होने के बाद एक अच्छा वातावरण हो, एक अच्छा माहौल हो, क्योंकि गर्भवती होने के बाद भी उनको दो टाइम भोजन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कई मां को मैंने देखा है, वह खुद भूखी रह जाती है, लेकिन अपने बच्चे और परिवार को वह अपना भोजन भी उनको देती है। और इसीलिए
मां की संवेदना को मैंने देखा। एक बार जब मैंने प्रसादम कार्यक्रम शुरू किया था तो मैंने देखा था कि किस तरीके से एक मां ने अपने विचार को व्यक्त किया था। मां ने कहा था कि मेरे जो ये पांच बच्चे हैं, इन पांच बच्चों को मैं पहली बार एक साथ बैठकर भोजन करा रही हूं। ऐसी दर्दनाक कहानियां, ऐसी दर्दनाक बातें हमारे बीच में हैं। मुझे याद है यहां पर बैठी मां बहनों को मैं देखता हूं कि तपती धूप के अंदर हो, ठिठुरती ठंड के अंदर हो और गर्भवती होने के बाद भी वो दो टाइम की रोटी का इंतजाम करने के लिए मजदूरी का काम करती है, मेहनत का काम करती है। हमें ऐसी माओं को अच्छा स्वस्थ वातावरण देना है, अच्छा माहौल देना है, ताकि उसको गर्भवती होने के बाद कम मेहनत करना पड़े, उसको ठीक का पोषण मिल सके, उसको ठीक से न्यूट्रिशन मिल सके, उसके खून के अंदर कमी है तो उसकी जांच होती रहे। और इसीलिए हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हर मां की हर महीने जांच हो और जांच में जो जो भी न्यूट्रिशन या पौष्टिक की कमी है, जो भी विटामिन की कमी है, उस विटामिन को भी दिया जाए, उस न्यूट्रिशन को भी दिया जाए, ताकि जब उनका बच्चा पैदा हो तो मां भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। यह अभियान हमारी यही हमारा अभियान का आगाज है और इसी को जन आंदोलन बनाना है। मुझे आशा है एक समय यह आएगा जब आजादी के 75 वर्ष हम गुजर गए, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा संकल्प है कि जब आजादी के 100 साल हो तो दुनिया के अंदर, भारत के अंदर शिशु और मातृ दूर सबसे कम हो, यह हमारा लक्ष्य है। और शिशु और मातृ दर को कम करना होगा तो हमें अच्छा पौष्टिक पोषण देना होगा, अच्छे न्यूट्रिशन देने होंगे, जो जो उसके शरीर की कमी है उन कमियों को पूर्ति करने के लिए प्रोटीन देना होगा, जो भी उसके शरीर की आवश्यकता उस सबको देना होगा। और इसके लिए हमारा सपना है कि 100 साल जब आजादी के हो तो हम हर मां को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि मां जननी है, मां हमारी जननी के साथ हमारी सृष्टि की निर्माता है। जो सही कहा मंगला देवी जी ने कि मां में जो संवेदना होती है, मां परिवार को पालती है, और मां अगर कुशल होगी, मां प्रसन्नचित होगी, एक अच्छा वातावरण होगा तो पूरे माहौल में, पूरे परिवार में सकुशलता होगी। मुझे आशा है आज ये अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान के साथ साथ हंस परिवार ने एक चलते फिरते हॉस्पिटल के लिए एक वाहन भी दिया है, ताकि समय समय पर उस वाहन आपके घर पे जाएगा, आपकी जांच करेगा और जांच करने के बाद जो जो चीजों की आपकी कमी हुई उसकी दवा भी उस चलते फिरते हॉस्पिटल के रूप में आपको देंगे। ये अभी शहर गांव शुरू करने वाले हैं। आने समय के अंदर हंस परिवार कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर और चलता फिरता हॉस्पिटल चलाएंगे, ताकि हर गांव के अंदर चाहे मां हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसका समय पर इलाज हो, धन के अभाव के कारण वो इलाज न करा सके, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश होगी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर वह स्वस्थ रहे और उसके लिए जो भी उसके इलाज की आवश्यकता होगी, चाहे कोटा में, चाहे जयपुर में, चाहे दिल्ली में, देश के किसी भी हिस्से के अंदर, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी होगी, उस गंभीर बीमारी का इलाज समाज के सहयोग से कराएंगे, ताकि हम समाज को स्वस्थ कर सकें। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पानी, यह हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता पर हम काम कर रहे हैं कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र एक आदर्श स्थिति बने, जहां पर लोगों को अच्छा पोषण मिले, अच्छा पानी मिले, रहने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले और उनके लिए बेहतरीन इलाज की व्यवस्था हो और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी शिक्षा, संस्कारी शिक्षा की व्यवस्था हो और उन बच्चों को हम कुशल कर सकें,
कौशल के माध्यम से उनको रोजगार दे सकें, इस दिशा की ओर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी विधायक महोदय भी इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सबको मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने घर घर जाकर इन महिलाओं को चिन्हित किया। हमें और महिलाओं को चिन्हित करनी है। हमें तो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली हर महिला को हमें सुपोषित करना है, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि सुपोषित अभियान के तहत हम माँ को भी पोषित करें, माँ को भी स्वस्थ रखें और आने वाले बच्चे को भी स्वस्थ रखें। यही हमारा अभियान का आगाज है, यही हमारा जन आंदोलन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।